इस टाइम हम मौजूद हैं एक छोटे से देहाती फार्म पर। दिखाते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट आपको। ये जो हमारे पीछे ये छोटी सी तालाब बना रखा है जानवर बनाने के लिए, और ये ट्यूबवेल साथ चलाने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्योर देसी माहौल है। वहाँ पे ही परिंदे मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, और वहाँ पे ये नींबू वगैरह के माल्टे के लगा रखे। ये पीछे से देखे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पर छाँव में खड़े होकर और फिर चारपाई हो मंजी हो उस पर लेट जा, सुकून से नींद आएगी। हवा चल रही हल्की फुल्की, और साथ ही ये देखें माशाल्लाह पीछे दरख्तों के सेंटर में मंजीब चा रखी है। वहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेटा तो बहुत ही मज़ा आया। सही बात है, एक जो नेचुरल हवा जो है लेना वो कितना मज़ा आता है उसका। तबीयत दस लाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। तलहा अरसलान ठीक ठाक ने गुजर रही है। हाँ जी ओ महक गुजर रही है। मैं कहता तलहा ते अरसलान ठीक ठाक ने अल्लाह की शान मिलया नहीं। नहीं कोई नहीं, मैं बिच ना जल्दी ने लंग आया। सुनाओ माल वालों सब करिए ते यार रेड़ा करया कर गल फ्री तेन पता लगे के हेलो पे तो आया जी। बाबा जी ओत मैं पता है दसन दी गल ही कोनी ते दूसरी गल ये के सुनाओ तू तो ठीक ने अल्लाह दासा। चलो मत तेरी दुआ है मत आ हुन चलिए मैं ना। कोई नहीं लंगर पानी का टाइम को बंदा इंतजार कर रहा मेहरबानी। यह जो की वो फसल उनका हम जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं दाने के तौर पर, तो या फिर बकरियों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम इनको कूट कर इनके दाने जो निकाले हैं उनको कूट कर मशीनरी वगैरह से आटे के वगैरह जिस तरह बनाया जाता है इस तरह इनको बनाकर फिर इनको पानी में डाला जाता है। पानी में डालकर फिर शक्कर वगैरह मीठा पानी बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सत्तू भी बोलते हैं सत्तू का पानी से। और ये है गंदम की फसल, ये सेम इसी तरह की होती है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। ये देखें और ये साथ ये जौ है, ये जौ है, ये देखें खाली ये पानी के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जौ है जौ की फसल है सारी। पड़क लो पड़क लो कि ना को पड़कना है। ये भेड़ों का सारे भेड़ हैं और ले लो बकरे सारे वही चीज रखी हुई है के कुर्बानी ईद तक फिर ये सेल करने होते हैं। ईद तक सेल करेंगे तो अभी तकरीबन 3-3.5 सेल करने में तब तक ये काफ़ी हो जाएंगे। नमाज का टाइम हो गया तो मैं सोचा कुछ पहले नमाज पढ़ लिया, बाद की बात बात में करते हैं। जहाँ पे वजू किया हमने चलते हैं फिर अब नमाज पढ़ने के लिए। वजू चेक करें बस आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पाए नहीं होना। ये हैं छत से सीन डेरे से बनाए जा रहे हैं। और ये वो लेले वगैरह की खुराक जहाँ पर वो खाते हैं। ये कबूतरों का जाल किसी के लिए अलग अलग रखा हुआ है। ये देखना दादा हर किसी
कौन सी दाने, कनक के दाने। उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो कबूतरों की बाजी, ये कबूतर पीछे जो हमारे सारे ये कबूतर हैं, बता रहे थे कि एक एक बाजी जो है वो 20-20 से 25-25 लाख की लगी है। पीछे करके पंजाब में भी एक बाजी लगी है, एक ज़िले वाइज, एक दूसरी जो है जो ज़िले वाइज लगी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें हमारा पहला नंबर आया। उसके अलावा पंजाब में आई है, पंजाब में है वो दूसरे नंबर पे है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चों की लगी है उसमें कह रहे थे पांचवा नंबर हमारा। तो और पीछे देखें सफेदे कैसे लाइन से लगा रखे हैं, ये चेक करें, व्यू चेक करें बस आप। ये घर है, दरवाज़ा हवेली का, और यहाँ पे माली बैठा हुआ है, ये देख बच्चा कुत्ते का रखवाली रख रहा है। और ये चलो, तो और ये हैं अंदर के कुछ माहौल। टोका वगैरह चलाने के लिए हीटर रखा हुआ है, हीटर इंजन, और साथ ही अनार के दरख्त, उसके साथ भी अनार का दरख्त। और ये उनका किचन है सामने, वो भाई चाय पका रहे हैं। तो ये लाइट क्यों है नहीं, यहाँ पे काफ़ी दूर है गांव से, तो सोलर की प्लेट रखी हुई है। और ये दरख्त सारे सहन में छांकी हुई है, और ये भी अनार का दरख्त है। खांसी आस्ते दिता है इन्हों, पता नहीं फिर परसों ना मैं लाया इनू, वो किदा लाया तो इन पता नहीं है ना, जिम्मे नहीं कनूटगी जी होंगी इस टाइप का ये नाल। सीधे पास चलो कर।
ਖਲੋ 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 ਲੋ ਜੋ ਆ ਜੀ ਖਲੋ ਜੀ ਖਲੋ।